हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ममता किचन फेरी। तो आज मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ उसका नाम है लहसुनी पालक। ठीक है, तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैंने दो बंडल पालक लिया है, इसकी मैंने जो स्टेम थी वो निकाल दी हैं और अच्छे से इसको धो लिया है। ठीक है, और इसकी जो इसके पत्ते पत्ते ऐसे जो पत्ते पत्ते वाला पार्ट है वो रख लिया है, और जो इसकी जो स्टेम अगर जो सॉफ्ट वाली स्टेम है ना उनको रहने दिया है। ठीक है, तो चलिए अब इसको ना 3-4 मिनट हम बॉईल कर लेते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने 2 ग्लास पानी रख दिया कढ़ाई में, और अब मैं इसमें जो पालक मैंने धो के रखी है वो डाल दी है। तो इसको 3-4 मिनट तक हम कुक होने देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए अब ये ज़्यादा लग रही थी ना, अभी काफ़ी कम हो गई है क्योंकि गल गई है ना अच्छे से। तो अब गैस बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर इसे नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर, 3-4 मिनट तक। अब इसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया है, इसको ना मैं 3-4 पानी ठंडे पानी से धो लूँगी। उससे क्या होगा, इसका कलर ऐसे का ऐसे ग्रीन का ग्रीन रिटेन रहेगा, और इस प्रोसेस को ना ब्लांचिंग भी कहते हैं, ताकि कलर वैसे के वैसे ही रहे। ठीक है, अब मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। अब इसके मैं 2 पार्ट करूँगी, एक पार्ट को हम ग्राइंड करेंगे और एक पार्ट को हम रफली चॉप करेंगे। ठीक है, सब्ज़ी बनाने के लिए। तो इसको थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं इसमें, और इसको आप ग्राइंड कर लीजिए अच्छे से। तो ये देखिए पेस्ट बन जाएगा, और इसका मैं क्या करूँगी ना, इसको मैं बारीक चॉप करूँगी, बारीक नहीं रफली चॉप करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इससे इसको चॉप कर लेना अच्छे से। अब ये चॉप कर लिया, तो एक कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है 1 चम्मच भर के। ठीक है, अब जैसे ये मेल्ट हुआ इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा जैसे ही क्रैकल होने लग जाएगा इसमें मैं 1/4 चम्मच हींग डालूंगी, और 5 से 7 कलियाँ चॉप की हुई लहसुन की, और 2 हरी मिर्ची, और 1 इंच अदरक का कसा हुआ ये डाल देंगे। इसको भी अच्छे से ऐसे फ्राई कर लेंगे, सॉटे कर लेंगे। और मैं इसमें 2 मैंने प्याज जो मीडियम साइज़ के प्याज थे वो चॉप करके डाल दिए। अब इसे सॉटे कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। ये देखिए तो प्याज पक चुकी है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच भर के बेसन डाल दिया है। बेसन से क्योंकि हम पालक की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो बेसन अगर डाल दो ना, तो बेसन से सब्ज़ी में ना अच्छे से बाइंडिंग मिल जाती है। ठीक है, वो पानी पानी अलग नहीं छोड़ेगा, अच्छे से बाइंड हो जाती है सब्ज़ी के साथ। तो बेसन को हमें तब तक भूनना है जब तक कि वो थोड़ा कलर उसका चेंज ना हो जाए, जैसे कि अभी कलर चेंज हो गया है और उसमें से ना एक अच्छी सी महक आने लगी है, कि अच्छा सा वो भुनने की जो स्मेल होती है ना, जो अच्छी सी महक होती है वो आने लग जाएगी। ठीक है, तो इसको हम भुनेंगे तब तक जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और इसका कलर भी चेंज हो गया है काफ़ी। तो अब मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा धनिया पाउडर डाल दिया है, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ में। अब हम पहले इसमें मैंने पेस्ट डाल दिया है, जो हमने आधा पार्ट पेस्ट किया बनाया था पालक का, प्यूरी सी बनाई थी वो डाल दिया है, और साथ में बारीक जो हमने चॉप करी थी ना पालक चॉप की थी वो भी डाल दिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऐसे इसको पकाएंगे 2-3 मिनट तक। ये देखिए तो इसको ऐसे इसको चलाते जाना है, चम्मच से मिक्स करना है। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ, नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि पालक में भी कुछ ना कुछ लेवल पे पोटेशियम या थोड़ा ना सॉल्ट नमक सा होता है, तो इसे नमक ध्यान से डालना। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसमें मतलब 1/2 कप के करीब मैंने इसमें पानी लगा दिया है। ये देखिए और अभी काफ़ी सॉफ्ट लग रही है, इसका टेक्सचर ना कितना स्मूथ लग रहा है ना। तो ऐसे इसको 2-3 मिनट तक पहले पकाएंगे हम। और अब मैंने इसमें गर्म मसाला डाल दिया है 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको ऐसे 2-3 मिनट तक पकाएंगे। फाइनली अभी हमें इसे इतना ही पकाना है, और अब हम इसके लिए हमें गैस बंद कर देंगे, सेकंड तड़का बनाएंगे। तो मैंने 1 चम्मच भर के घी डाला है एक पैन में।
अब इसमें एक चम्मच जीरा डाल दिया, अच्छे से जीरा क्रैक होने लग गया है। तो इसमें मैंने 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, जिनको मैंने रफली बड़ा बड़ा चॉप किया है, वो डाल रही हूँ, क्योंकि लहसुन ही पालक बना रहे हैं ना, तो लहसुन का तड़का बढ़िया वाला लगेगा। और 3 से 4 मैंने लाल मिर्ची डाल दी है, इससे भी बहुत अच्छा स्वाद आएगा। 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। इस सबको अच्छे से पका लेंगे और ऐसे चम्मच से आप इसको स्टर कर लीजिएगा, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये बन चुका है और इसका तड़का अब हम ये जो पालक हमने बनाई है ना इसमें डालते हैं। ये देखिए, और इसे बहुत अच्छा स्वाद आने वाला है, और इसे ऐसे मिक्स कर लेना है, ठीक है। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत न्यूट्रिशियस होती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। तो लहसुनी पालक बनके रेडी है, तो इसको एक बर्तन में या एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो एक कटोरी में निकाल के दिखाती हूँ, और ये बहुत स्वादिष्ट लगती है, इसकी बहुत ही अच्छी महक आ रही है, और ज़रूर बनाइएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगेगी, ठीक है। तो ये देखिए बनके रेडी है, और इसको रोटी के साथ, पराठे, नान के साथ आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, टेक केयर।